हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा जागर कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड जहाँ पे हम कोई एक न्यूज लेते हैं और उसके सभी पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं आज की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं बहुत पहले शुरू होती है पर 2019 की बात करते हैं साल खत्म हो रहा था और नए साल का जश्न हम मनाने वाले थे पर 2019 में ऑस्ट्रेलिया में ऐसी वाइल्ड फायर लगी जिसने ऑलमोस्ट वन बिलियन एनिमल्स की लाइफ को कंज्यूम कर लिया 2019 हज़ार चल ही रहा था कि यूरोप में ऐसी फ्लड आई कि ब्रिटेन और आयरलैंड को क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी 2019 हज़ार अगर इंडिया का देखा जाए तो हमने इस तरीके के साइक्लोन देखे थे और अरेबियन सी में देखे जहाँ पर ऐसे साइक्लोन देखे नहीं जाते जिसने काफ़ी जाने ले चुकी थी वॉट इज दिस फिनोमिना दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऐसा क्या बदलाव है जो अब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इस तरीके के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं वो बहुत फ्रिक्वेंट हो चुके हैं देन द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग टूडे इस क्लाइमेट चेंज कि किस तरीके से जो आपका जो पूरा मौसम है वो बदल चुका है और कैसे वो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है थ्रू द लेंस ऑफ द सिक्स असैसमेंट रिपोर्ट ऑफ द आई पी सी सी तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई पी सी सी क्या है क्लाइमेट चेंज क्या है IPCC रिपोर्ट के सिग्निफिकेंस क्या है उसका कंटेंट क्या है और क्या किया जाना चाहिए ना लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थ्रू अ सेक्शन ऑफ द न्यूज सिंप्लीफाइड चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले लेट्स टॉक अपाउट कि IPCC क्या है IPCC पी डिस्कस करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है क्लाइमेट चेंज समझने के लिए नासा ने बहुत सिंपल डेफिनेशन दी है आपको समझाने के लिए मैं उसी तरीके से आपको समझा देती हूँ सबसे पहले समझना होता है कि वेदर क्या होता है वेदर या मौसम मौसम बेसिकली किसी भी एरिया के ऊपर सन की कंडीशन कैसी है कितना हीट आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या प्रेसिपिटेशन या बारिश कितनी है इस पे डिपेंड करता है कि आज बारिश होने वाली है इसे मौसम कहते हैं आज सूरज निकलेगा इसे मौसम कहते हैं दैट इज वेदर जो एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर एरिया पे डिस्कस किया जाता है कि आज दिल्ली में सूरज निकलने वाला है वहीं पुणे में बारिश हो सकती है ये जो वेदर रिपोर्ट आपके पास आती है इसे मौसम की रिपोर्ट कहते हैं वेर एज वेदर ओवर एन एरिया ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज क्लाइमेट जो वेदर होता है अगर वो कंसिस्टेंट ओवर एन एरिया एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया और एक पर्टिकुलर एरिया पे जो वेदर की कंडीशन कंसिस्टेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको क्लाइमेट कहते हैं समझ में आया वेदर आज का होगा कल का होगा परसों का हो गया 26 तारीख का 27 तारीख का हो सकता है और क्लाइमेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया का कंसिस्टेंट होता है जैसे इंडिया के क्लाइमेट में चार सीजनस आते हैं आपका विंटर होता है समर होता है प्री समर होता है और रेनी सीजन होता है इस तरीके के चार जो ओवरऑल सीजनल जो चेंजेस आप देखते हैं इसे इंडिया का क्लाइमेट कहते हैं समझ में आया एक दिन में वेदर देखा जाता है एक साल में क्लाइमेट देखा जाता है अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो बाकी लेट्स अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज क्या होता है अब क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत कंसिस्टेंट चीज़ होती है मतलब आप बोल सकते हैं कि दिल्ली में सर्दियों में आपका जो टेम्परेचर है वो सात से लेकर दो के बीच में देखा जा सकता है पर वहीं अगर किसी साल टेम्परेचर वन के आसपास पहुंच गया या माइनस वन के आसपास पहुंच गया दैट इज़ एन इनॉमली दैट मीन्स टो एवरेज टेम्परेचर या एवरेज प्रेसिपिटेशन है जब उससे वेरिएशन होती है उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं एवरेज राइट बिकॉज क्लाइमेट एक तरीके का एवरेज है जब एवरेज से वेरिएशन होती है तो उसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं और अब दुनिया वही एक्सपीरियंस कर रही है जो क्लाइमेट का जो एवरेज है वो बदल रहा है ठीक है इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस तो एक रीजन ये है कि क्लाइमेट पहले भी बदलता था बिकॉज क्लाइमेट के बदलने के दो रीजन होते हैं एक आपका एंथ्रोपोजेनिक होता है दैट मीन्स मैन मेड दूसरा आपका नेचुरल होता है इससे पहले नेचुरल क्लाइमेट चेंज बहुत देखा जाता था टू द एक्सटेंट आपने आइस एज मूवी देखी होगी दे वॉस टाइम वन द इंटायर वर्ल्ड वॉज फिल्ड विद आइस तो वह क्लाइमेट चेंज था कि और लेकिन वो सालों के दौर में देखा जाता है कि एक लाख साल के बाद ये वाला आया एक लाख साल के बाद ये बदल जाएगा जो कि सन और अर्थ की पोजीशन पे डिपेंड करता है ये सब डिटरमाइन करते हैं पर अब जो चेंज देखे जा रहे हैं वो मोस्टली मैन मेड रीज़न है और वो इतनी रफ्तार से बदल रहे हैं कि नेचर भी आसानी से अडेप्ट कर पा रही जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे जा रहे हैं दैट इज इसीलिए अब के जो एरा को एंथ्रोपोजेनिक एरा भी कहते हैं मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटी से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कि हमने एरा को ह्यूमन के नाम से ही दे दिया है दैट इज़ दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है अब जरा समझते हैं इस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होता है अगर डब्ल्यू एम ओ की रिपोर्ट देखी जाए देन क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ आपके लिए ड्रॉट फ्लड स्ट्रांग क्रिएट कर सकता है जिसकी वजह से लोगों का माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट होता है अगर आप ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट देखें देन इट सेस दैट कि 30 टू 60 परसेंट ऑफ रीसेंट डिस्प्लेसमेंट जो हो रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर तो ये कोई छोटा फैक्टर नहीं है अब तक माइग्रेशन एथनिक क्लिनिंग की वजह से हो रहे थे पर जो नेक्स्ट सेट ऑफ माइग्रेशन है वो इस वजह से होंगे सेकेंड इज इट ऑल्सो कॉस्ट डेवेस्टेटिंग वाइल्ड फायर चाहे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले लो चाहे एमेजोन का एग्जाम्पल ले लो या बंदीपुर ऑफ इंडिया इंटेंसिटी ऑफ वाइल्ड फायर सब बढ़ चुकी हैं इसी के साथ काफी ज्यादा कोरल ब्लीचिंग देखी जा रही है लॉस ऑफ ऑक्सीजन देखा जा रहा है और आपकी बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट हो रही है अलॉन्ग विद दिस आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उनकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है साथ में एक्सट्रीम हीट इस बार देखा था ना कनाडा में कितनी ज्यादा हीट एक्सपीरियंस की गई थी जर्मनी का हाल बुरा था ब्रिटेन में भी न्यूज़ बहुत ज्यादा आ रही थी राइट हीट वेव्स मेड लाइफ वर्ड्स लाइफ लाइवलीहुड सबको इंपैक्ट किया था इस टाइम पे अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो कॉज दी फूड इन सिक्योरिटी कि फूड की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है जो क्लाइमेट चेंज होता है बिकॉज एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है सी लेवल राइस होता है और साथ में इट रिजल्ट इन टू एट ट्वेंटी वन मिलियन पीपल अंडर गोइंग नरिशमेंट जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता सो दिस इज हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ डेडली वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग ऑल ऑफ अस ये हम सबको नॉक कर रहा है एंड दिस इज द टाइम वी ऑल शुड बी अवेयर दैट्स वाई अब इसी से सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है आई पी सी सी रिपोर्ट की बिकॉज जो आई रिपोर्ट निकलती है वो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए ज़्यादा बनती है तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड आई क्या होता है फिर इसकी रिपोर्ट को समझेंगे कि जो हमने क्लाइमेट चेंज देखा है वो जिस तरीके से मल्टी डाइमेंशन को इम्पैक्ट करता है आई अपने डेटा से किस तरीके से उसे रिकॉर्ड करती है तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद आई अगर आई की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक बॉडी है यस इट इज अ साइंटिफिक बॉडी जो कि डेटा प्रोवाइड करती है अबाउट क्लाइमेट चेंज ये बनी थी यू एन एफ ट्रिपल सी को सपोर्ट करने के लिए एक्चुअली वो तो बाद में आए बट ये हाँ यू एन एफ सी ट्रिपल सी को सपोर्ट करती है ये बनी थी 1988 में बिकॉज ऑफ द कोलेबोरेशन ऑफ वर्ल्ड मिट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इन दोनों ने मिलकर इसे बनाया था बिकॉज बहुत जल्दी ये रियलाइजेशन हो चुका था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ओवरऑल दुनिया में इम्पैक्ट हो रहा है उसका डेटा बेस इकट्ठा करना जरूरी है बिकॉज आजकल डेटा ही बिकता है अगर डेटा ये प्रूव कर देता है देन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पॉलिसी लजिस्लेटिव मेजर्स भी उसी डायरेक्शन में बन सकें इस इंटेंशन से इसको बनाया गया था पर यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें this does not conduct the research itself yes this is very important ipcc आई पी सी सी खुद रिसर्च कंडक्ट नहीं करती जो एग्जिस्टिंग साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं उसको कोलैबोरेट करती है उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और वेरियस स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोवाइड करती है पर एक खुद रिसर्च नहीं करती आपके एग्जाम में ये सवाल बन सकता है तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहे इसके साथ समझना ये है कि आई की हिस्ट्री कैसी रही अब तक आईपीसीसी पी सी सी ने सिक्स रिपोर्ट निकाल चुकी है शुरुआत हुई थी 1988 से जब ये बना था उसके बाद 1990 1988 उसके बाद 1995 के दौरान सबसे पहली रिपोर्ट निकाली थी और अब 2021 में इसकी सिक्स रिपोर्ट निकलने वाली है अराउंड की प्रोटोकॉल और बाकी सब पेरिस समिट होने से पहले इसकी कोई ना कोई रिपोर्ट आती रही है जो 2021 की रिपोर्ट है उसका नाम है क्लाइमेट चेंज द फिजिकल साइंस बेसिस आप ज़रा समझते हैं कि रिपोर्ट में क्या कहा गया है रिपोर्ट को अगर पढ़ना हो तो उसे दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं और फिर मल्टीपल डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं तो सबसे पहले डायमेंशन है क्लाइमेट चेंज की वो किस तरीके से इंपैक्ट करती है तो सबसे उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं नंबर वन इज इम्पैक्ट ऑन द आइस कवर ऑफ द वर्ल्ड कि आइस कवर पे क्या फर्क पड़ रहा है hmm. दूसरा आपका हाइड्रोस्फेयर कैसे इंपैक्ट होता है और तीसरा आपकी हीट या वाइल्ड फायर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है इन तीन सेगमेंट के थ्रू हम इम्पैक्ट को पढ़ेंगे ये तीन सेगमेंट आपको समझ में आ गया आप आसानी से समझ सकते हैं तो आपका ग्लोबल आइस कवर पे क्या फर्क पड़ रहा है उसके लिए जरा इंडिया के ऊपर नजर डाल सकते हैं रिपोर्ट टॉक्ट अबाउट कि जो हिंद कुश जो ग्लेशियर्स ग्लेश, हैं दे आर गोइंग टू श्रिंक उनकी जो ग्लेशियर पे जो आइस है वो कम होने वाली है उनकी जो स्नो लाइन जो स्नो लाइन है वो उसका एटीट्यूड भी इम्पैक्ट होने वाला है अब थोड़ा ऊपर चली जाएगी बिकॉज स्नो कवर कम हो जाएगा स्नो लाइन को अगर समझना हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू की इमेजिन दिस इज योर हिमालयन रीजन ये आपका पहले स्नो कवर यहाँ तक आती थी इमेजिन कर लिए सिक्सटीन हंड्रेड एल्टीट्यूड के आसपास एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है तो पहले यहाँ तक आपकी स्नो लाइन होती थी बट इसके बाद क्या होगा धीरे धीरे अगर राइज कर जाता है तो मे बी ये 1600 से लेके जो नेक्स्ट है वो 2600 मीटर पे स्नो लाइन मिलेगी मतलब अब आइस कवर यहां तक है इमेजिन कभी ऋषिकेश में भी मे बी शायद बर्फ गिरा करती बट स्नो लाइन ऊपर जाएगी तो ऋषिकेश में नहीं मिलेगी ऊपर के रीजन में ही आइस मिलेगी दैट इज समथिंग कि स्नो लाइन आपकी इंपैक्ट होने वाली है इसी के साथ बहुत ज़्यादा आपको हैवी प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकता है हैवी प्रेसिपिटेशन इन सेंस कि बारिश बहुत ज़्यादा हो सकती है बारिश बहुत ज़्यादा होगी जिसका एक इम्पैक्ट ये होगा कि लैंडस्लाइड बहुत देखने को मिलेगी लैंडस्लाइड आप देखते हैं आप कभी भी मानसून सीजन में घूमने नहीं जाते क्यों नहीं जाते उसको ऑफ सीज़न कहते हैं ऑफ़ सीज़न क्यों कहते हैं क्योंकि जब बारिश होती है तो चट्टाने कमज़ोर हो जाती हैं चट्टाने कमज़ोर होती हैं तो वो नीचे बहकर आती हैं इस तरीके की एक्टिविटीज अब बढ़ सकती है रिपोर्ट ये कह रही है साथ में रिपोर्ट स्टॉक अबाउट कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स बढ़ सकते हैं इसके बाद कि मतलब जब ग्लेशियल जो, जो आइस है वो मेल्ट होती है तो आपके लेक बनते हैं जब वो बहुत ज्यादा रफ्तार से होती है तो उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है रिसेंटली फ्लैश फ्लड देखी गई थी आपका ऋषि गंगा धौली गंगा के आसपास हमने काफ़ी फ्लश फ्लैश फ्लड विटनेस की जिसमें बहुत सारे लोग गुजर गए दैट इज समथिंग जो कि हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है इसी के साथ ये तो था फर्स्ट डायमेंशन दैट इज आपने जो ग्लेशियल वाली डायमेंशन कवर की अब आते हैं दूसरी डायमेंशन दूसरी डायमेंशन जो आपकी हो जाएंगी वो साइक्लोन्स फ्लड और वो सब होंगी तो उसमें एक डायमेंशन आपकी आती है हीट वेव ऑफ ह्यूमिडिटी उसको समझने के लिए पहले इंडिया के लिए पूरी रिपोर्ट जान लेते हैं नाउ इन सेकेंड डायमेंशन इंक्लूड कि वाटर या प्रेसिपिटेशन लेवल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है वाटर या प्रेसिपिटेशन लेवल पे देखा जाए तो रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि इंडिया में मॉनसून बहुत वेरी करने वाला है देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पहले ये शायद कम हो या पहले ये बढ़ जाए और उसके बाद कम हो जाए और वो सब एरोसोल की अवेलेबलिटी पर डिपेंड करता है कि मे बी अगर एरोसोल अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो शायद मानसून बढ़ जाए इसी के साथ इट टॉक्स अबाउट कि आपके जो सी लेवल टेम्परेचर है उस पर भी फ़र्क पड़ने वाला है फ़र्क इस हिसाब से पड़ने वाला है कि रिपोर्ट से कि जो बे ऑफ़ बंगाल है आपका और अरेबियन सी जो इंडिया को सराउंड करने वाला है इसका सी लेवल राइज इज एवरेज दैन द ग्लोबल एवरेज ग्लोबली जो सी का जो टेम्परेचर है वो जितना राइज कर रहा है उससे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में देखा जा रहा है इसका इम्पैक्ट आप देख भी सकते हैं अरेबियन सी में नंबर ऑफ साइक्लोन्स बढ़ चुके हैं एट एन एवरेज अगर पहले बे ऑफ बंगाल में पांच साइक्लोन आते थे तो अरेबियन सी में आपके दो साइक्लोन आते थे पर अब आलम यह है कि पिछले साल यहाँ पांच देखे गए थे यहाँ तीन इस तरीके की प्रोपोर्शन या रेशियो बदल चुकी है ऑल बिकॉज जो सी लेवल जो आपका टेम्परेचर है दैट हैज वेरी टू ग्रेटर एक्सटेंट रिपोर्ट आल्सो अबाउट कि इंडियन ओशियन जो है इंडियन ओशियन रीजन में जो पानी है वो भी उसका टेम्परेचर भी राइज कर रहा है अगेन इट टॉक्स अबाउट कि ओवरऑल इंडिया का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसकी वजह से इंडिया थर्ड लेवल पे आता है जिसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इसकी हायर पॉपुलेशन है यस इंडिया इज एट थर्ड लेवल राइट नाउ पर अगर पर कैपिटा की टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया बहुत पीछे आती है इतना पीछे आती है कि यूएस में नाइन टाइम्स ग्रीन हाउस गैस कंजम्पशन होती है जितना एक इंसान इंडिया में करता है उसके नौ गुना यूएस में एक इंसान करता है तो हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा जरूर है विच इज़ अ टॉपिक ऑफ कंसर्न बट इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन पॉपुलेशन है पर कैपिटल कंजम्पशन हमारी कम रहती है ये था इंडिया के लिए ओवरऑल इट वॉज अ सैड न्यूज फॉर अस बट एक न्यूज़ बहुत अच्छी थी दैट इज रिगार्डिंग कराकोरम न्यूज टॉक्स अबाउट कि जो कराकोरम है उसने तो एक्चुअली जो एवरेज आपका जो सन आप एवरेज जो आपकी स्नो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है कम नहीं हुआ इनफैक्ट जो उसका पहले स्नो कवर था शायद उससे इंक्रीज हो चुका है या कांस्टेंट हो गया है तो करा कर उनके लिए ओवरऑल इट इज अ गुड पार्ट अब आते हैं ग्लोबल बात करते हैं ग्लोबल आई पी रिपोर्ट क्या कहती है ना ग्लोबली ये जो रिपोर्ट है वो टू थर्टी फाइव से निकाली थी और वन कंट्रीज ने अप्रूव की थी द रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि जो करंट लेवल ऑफ कमिटमेंट जितनी कंट्रीज ने शो की है जिसमें आपका यूरोप है चाइना है और इंडिया भी है इंडिया के आईएनडीसी कमिटमेंट याद है ना नहीं याद है तो हमारी देख के हम लेकर आ जाएंगे पेरिस में भी बहुत सारी कमिटमेंट दी गई थी रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि अगर ये कमिटमेंट फुलफिल भी होती है ना तो भी दो हजार सौ इक्कीस सौ के आसपास हमारा मीन टेम्परेचर राइज विल बी टू पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस च इज मच बिलो दैन द रिक्वायर कमिटमेंट ऑफ वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट सेज कि अगर हम इसको हासिल करेंगे तो हमारा लाइफ लाइवलीहुड वगैरह हर चीज इंपैक्ट होगी टू द एक्सटेंड रिपोर्ट ने एक वर्ड यूज किया है दिस इज अ रेड कोड फॉर ह्यूमैनिटी ऐसा नहीं है अगर आप टू पॉइंट सेवन के आसपास अगर आप एम कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे थ्रेट्स जनरेट हो सकते हैं साथ में ही रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आप हीट वेवस देखे जाएंगे आपके ड्रॉट फ्लड एंड स्ट्रॉम इन सब की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ऐसा ही टॉप टर्स इससे पहले कि जो ओवरऑल इंपैक्ट है उसको तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं पहला क्या था कि आपका जो जो आपका क्रिप्टो रीजन है या फिर आई एम सॉरी नॉट क्रिप्टो रीजन क्रायो रीजन क्रायो रीजन मीन्स आइस कवर पे कितना फर्क पड़ा है दूसरा आप हाइड्रोग्राफी के टर्म से पढ़ सकते हैं कि सी मीन्स सी लेवल राइज कितना है प्रेसिपिटेशन कितनी हो रही है तीसरा आप सन की पोजीशन के हिसाब से पढ़ सकते हैं कि वाइल्ड फायर कितना है और हीट वेव्स कितनी है क्रायोग्राफी हमने पढ़ ली जब हमने देखा कि कितना ग्लेशियर लेक आउट बस देखा जा सकता है फिर हमने पढ़ा कि हाइड्रोलॉजी पे क्या इंपैक्ट होने वाला है हाइड्रोलॉजी में हमने देखा इंडिया के केस में स्पेसिफिकली कि मीन सी लेवल राइज करने वाला है साथ में प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी बढ़ने वाली है जो कि बाद में कम हो जाएगी अब आते हैं तीसरे पार्ट पे तीसरा पार्ट थोड़ा सेकेंड ही डिस्कस कर लें ग्लोबली सेकेंड पोर्शन में बोला गया है कि देर इज देर कुड बी 50 परसेंट सी लेवल राइज ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन अब जितना है उसका 50 परसेंट राइस देखा जा सकता है दिस इज ग्लोबल रिपोर्ट इंडिया में हमने देख लिया कि कैसे बे ऑफ और अरेबियन सी में फर्क पड़ने वाला है अलॉन्ग विद दिस इट टॉक्स अबाउट कि इस थर्मल एक्सपेंशन की वजह से काफी ज्यादा कोस्टल फ्लडिंग देखी जाएगी और मानसून की एक्टिविटीज भी बढ़ जाएगी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं नेट थर्ड पार्ट तीसरा पार्ट आ गया राइट क्रायोग्राफी हाइड्रोग्राफी और तीसरा पार्ट आपका आता है कि सन की वजह से कितना फर्क पड़ रहा है और फायर वेदर दोनों ही बढ़ने वाले हैं राइट पूरा इसके लिए इसने फर्स्ट टाइम रीजनल फैक्ट शीट निकाली टू प्रेजेंट दिस पिक्चर मोर हॉलिस्टिक आईपीसी की रिपोर्ट में पहली बार रीजनल फैक्ट शीट आई है रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि इस पूरे के पूरे इम्पैक्ट से जो तीन डायमेंशन आपने कवर की हैं इससे लाइफ लाइवलीहुड और नेचुरल हैबिटेट सब इम्पैक्ट होने वाले हैं एंड रिपोर्ट कंडेम द ह्यूमैनिटी फॉर दिस कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो ह्यूमैनिटी ने ही किया है इसलिए रिपोर्ट जस्ट डज नॉट स्टॉप एट प्रोवाइडिंग दी चैलेंजेस फॉर यू कि ये ये चैलेंजेस हैं ये ये फ्यूचर कंसर्न आपके आने वाले हैं रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि देर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू डू सजेशंस भी दिए हैं रिपोर्ट ने इट टॉक्स अबाउट कि 2.7 पॉइंट सेवन परसेंट इनफ नहीं है बिकॉज वो तो रेड कोड है इट कि प्लीज ट्राई टू अटेन द टारगेट ऑफ 1.5 पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस दैट इज अ स्कोप जहां पे ह्यूमैनिटी सब आपकी जो क्या कर सकती है सर्वाइव कर सकती है येस इट इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवलिज्म इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो आपके करंट एम्बिशंस हैं ना या करंट टारगेट्स हैं उससे ज़्यादा एम्बिश टारगेट्स आपको रखने पड़ेंगे इट सेज उसके लिए आपको नेट ज़ीरो एमिशन पे काम करना पड़ेगा इवन उससे भी ज़्यादा जा सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी स्टेक होल्डर पर आती है इंक्लूडिंग आपकी पर्सन डैट इज इंडिविजअल फिर आपका स्टेट और फिर आपका ग्लोबल लेवल सो रिपोर्ट टॉक्स अबाउट कि सभी को साथ में आके काम करना पड़ेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू सिंक और सेव टुगेदर, सो दैट वाज़ द पार्ट ऑफ़ द रिपोर्ट इसी के साथ रिपोर्ट एक चीज़ और बोलती है जिसके लिए हम हमेशा फेवर करते हैं दैट इज़ सम स्टेट विल हैव टू टेक हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरिस में भी इसके बारे में बात की तो क्योटो में भी इंडिया इस प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा था कि डेवलप कंट्रीज हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू तो टेक बिकॉज वो अपना जो बजट है ग्रीन हाउस गैस का बजट है उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं वो टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड है और फाइनेंशियली साउंड है इससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है ना दैट इज़ फॉर ऑल आज के न्यूज़ में इतना ही था आई होप आपको क्लाइमेट चेंज समझ में आ गया आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस नज़र आ गया और आपको ये भी समझ में आ गया कि क्लाइमेट आपको कैसे इंपैक्ट करने वाला है इन तीन डायमेंशन को ज़रूर ध्यान रखें आप जब भी किसी एग्जाम में जाएंगे तो अगर इस तरीके से कवर करेंगे तो आप समझ जाएंगे न दैट इज़ फॉर ऑल अगर आपको हमारी न्यूज़ समझ में आई दिन हमें लाइक like करें सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू थैंक यू सो मच